Hello friends and welcome again to the next video lecture of the computer graphics. And today we will learn the detailing about the color CRT monitors. Okay, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा हुआ है कि what are the random scan display system and what are the raster scan display system. After that ये भी हमने सीखा था कि what is a CRT monitor and what is the working of basic CRT monitors. Okay, तो आज जो हम बात करेंगे How can we produce the colors in the CRT monitors, right? तो basically अगर देखा जाए तो there are two techniques for producing the colors in the CRT monitors. तो we have two techniques for producing the colors. The first one is beam penetration method, and the second one is shadow mask method. तो बेसिकली दीज दोनों की दोनों जो टेक्निक्स होती है वो दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में पूछी भी जाती है. तो हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द मेथड दैट इज अ बीम पेनिट्रेशन मेथड. सो लेट स्टार्ट दिस टेक्निक. तो बात करते हैं कि बीम पेनिट्रेशन मेथड होता क्या है. बीम पेनिट्रेशन मेथड, ठीक है. तो जो बीम पेनिट्रेशन मेथड होता है ये टेक्निक यूज की जाती है रैंडम स्कैन डिस्प्ले सिस्टम, राइट. दिस टेक्निक इज यूज्ड इन रैंडम स्कैन डिस्प्ले सिस्टम, ठीक है. तो ये जो टेक्निक है वो हमारी किसने यूज हो रही है, रैंडम स्कैन डिस्प्ले सिस्टम में यूज की जाती है. और इस टेक्निक के थ्रू हम फोर कलर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, फोर कलर्स कैन बी प्रोड्यूस. इसमें से टू मेजर कलर्स होते हैं, टू मेजर कलर्स इसमें होते हैं. आपके पास एक होता है रेड और दूसरा होता है ग्रीन कलर, ठीक है. और टू एडिशनल कलर्स होते हैं, एडिशनल कलर्स होते हैं इसमें से एक होता है आपके पास येलो एंड दूसरा होता है आपके पास ऑरेंज, ठीक है. तो हमारे पास क्या होता है कि फोर कलर्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू, जिसमें दो मेजर कलर्स होते हैं जिसमें से एक रेड और एक ग्रीन होता है. और क्या होता है, टू एडिशनल कलर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं जिसमें से एक होता है येलो और दूसरा होता है ऑरेंज कलर, ठीक है. अब इस टेक्निक में अगर मैं बात करूं कॉम्पोनेंट्स की, तो इसमें एक सीआर एक इलेक्ट्रॉन गन यूज होती है, लेकिन दो फॉस्फर कोटेड स्क्रीन यूज होती है. इसमें क्या होता है, टू कलर्ड फॉस्फर कोटेड स्क्रीन इज यूज, ठीक है. इसमें से एक होता है आपके पास इनर लेयर, और ये इनर लेयर होती है रेड कलर, ठीक है. और एक होता है आपके पास आउटर लेयर, ये होता है आपके पास ग्रीन कलर का, ठीक है. तो मैं बात जो फॉस्फर कोटेड स्क्रीन है, टू कलर्ड फॉस्फर कोटेड स्क्रीन इज यूज्ड इनसाइड दिस मेथड. द इनर लेयर इज ऑफ रेड कलर और जो आउटर लेयर होती है वो ग्रीन कलर की होती है. कुछ इस तरीके से देख लो आप, ऐसे मान सकते हैं हम ये हमारे पास होगी आउटर लेयर और ये होगी हमारे पास इनर लेयर, ठीक है. आउटर लेयर हमारी होगी रेड कलर की, ये होगी हमारे पास ग्रीन कलर की, ठीक है.
ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम। ओके अब देखो होता क्या कि अब जैसे कि हमारे पास जो आउटर लेयर हमारे पास ग्रीन कलर रेड कलर की और इनर लेयर जो है ग्रीन कलर की है, तो होता क्या कि अब इसमें जो कलर प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है कि हम इलेक्ट्रॉन बीम को कितनी स्पीड से इस स्क्रीन पर स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलो कि जो हमारे पास अगर बहुत ही स्लो स्पीड का इलेक्ट्रॉन बीम होता है, बहुत ही स्लो स्पीड का इलेक्ट्रॉन बीम है, तो अगर उसको हम ड्रॉ करते हैं फॉस्फर कोटेड स्क्रीन पर, तो क्या करता है केवल आउटर लेयर को ही पेनिट्रेट कर पाता है, और आउटर लेयर पर कलर कौन सा है, रेड। तो इसके थ्रू क्या होता है कि रेड कलर स्पॉट इज जनरेटेड ऑन द स्क्रीन, राइट। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, हाई स्पीड का इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करता हूं, ठीक है, अगर हाई स्पीड का इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होता है तो वो क्या करता है, रेड कलर को पेनिट्रेट करते हुए क्या करता है, वो इनर ग्रीन लेयर को पेनिट्रेट कर देता है, और जैसे वो ग्रीन लेयर को पेनिट्रेट करता है तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर क्या होता है कि ग्रीन कलर का स्पॉट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, यानी कि जनरेट हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ दीज टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स, टू डिफरेंट स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम, वी कैन प्रोड्यूस द रेड कलर स्पॉट एंड द ग्रीन कलर स्पॉट ऑन द स्क्रीन, जिसमें से स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन प्रोड्यूस द रेड कलर एंड द हाई स्पीड मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम कैन प्रोड्यूस द ग्रीन कलर स्पॉट ऑन द स्क्रीन। अब क्या होता है कि इनके बीच यदि जो स्पीड है इनको हम थोड़ा सा अगर स्लो टू हाई के बीच में अगर रखते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट बीम स्पीड, इलेक्ट्रॉन बीम स्पीड कैन प्रोड्यूस द टू एडिशनल कलर्स, कौन कौन से, येलो एंड ऑरेंज। तो इस तरीके से इस बीम पेनिट्रेशन मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फोर कलर ही प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है, जिसमें से दो मेजर कलर्स हैं और दो एडिशनल कलर्स हैं। और अगर देखा जाए तो कॉस्ट वाइज दिस इज एन एक्सपेंसिव मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द कलर्स, और इसका ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ फोर कलर्स ही प्रोड्यूस कर पाता है। तो जो हमारे पास जो शैडो मास्क मेथड है, यानी कि शैडो मास्क मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग द कलर्स, दिस मेथड इज यूज्ड इन रास्टर स्कैन डिस्प्ले सिस्टम्स, ठीक है। तो अब ये इसलिए यूज होते हैं क्योंकि ये विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक और मेथड वी कैन प्रोड्यूस मल्टीपल ऑफ कलर्स, बहुत सारे मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ कलर्स वी कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। तो अब इसमें अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करता हूं, तो जो कंपोनेंट आपके पास सामने दिख रहे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन गन है, उसके बाद एक ये सीरीज ऑफ होल्स के साथ में एक शैडो मास्क है, एंड दिस शैडो मास्क इज जस्ट बिहाइंड द फॉस्फर कोटेड स्क्रीन, राइट। तो अब यहां पे वन बाय वन करके बात करता हूं कि ये सारी की सारी चीजें यूज कैसे हो रही हैं और क्या है इनका मतलब। तो यहां पे जो आपके पास फॉस्फर कोटेड स्क्रीन दिखाई दे रही है, फॉस्फर कोटेड स्क्रीन में हर एक पिक्सल पोजिशन पर थ्री कलर डॉट का कॉम्पोजिशन होता है, जिसमें से ये दिखाया गया आप जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर, कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे करके होता है, इसमें से एक होता है रेड कलर के लिए, एक होता है आपके पास ग्रीन कलर के लिए, और एक कलर डॉट होता है ब्लू कलर के लिए, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो स्क्रीन है, यानी कि फॉस्फर कोटेड स्क्रीन इज कंपोज, जो पिक्सल पोजीशन है इट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री कलर डॉट्स, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। अब उसके बाद जो ये शैडो मास्क है, तो शैडो मास्क कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ होल्स, राइट। तो ये जो सीरीज ऑफ होल्स है तो इस तरीके से अलाइंड होते हैं, किसके साथ में, इस कलर फॉस्फर कलर डॉट के साथ वो अलाइंड होते हैं, ठीक है। अब उसमें जो इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन यहां पर तीन इलेक्ट्रॉन गन यूज होती है। अब इस इलेक्ट्रॉन गन हर एक इलेक्ट्रॉन में जो होगी, एक कलर इलेक्ट्रॉन गन यूज की जाएगी ब्लू कलर के लिए, एक इलेक्ट्रॉन गन यूज की जाएगी ग्रीन कलर के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन गन यूज की जाएगी रेड कलर के लिए, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होती है और वो पास होती है शैडो मास्क के होल से, और इस होल से होते हुए क्या करती है, वो एक्टिवेट करता है किसके, इस कलर डॉट को, ठीक है। और जैसे कलर डॉट को एक्टिवेट करता है, उस पर्टिकुलर कलर का एक स्पॉट जनरेट हो जाता है आपके स्क्रीन पर, यानी फॉस्फर कोटेड स्क्रीन पर एक कलर स्पॉट जनरेट हो जाता है व्हेन द इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू द शैडो मास्क होल्स ऑफ द शैडो मास्क एंड ड्रॉप एट द कलर डॉट ऑफ द फॉस्फर कोटेड स्क्रीन एंड एक्टिवेट अ डॉट ट्रायंगल एंड देन अ कलर स्पॉट इज जनरेटेड ऑन द फॉस्फर कोटेड स्क्रीन। अब इसमें होता है कि ये जो डॉट ट्रायंगल है, यानी कलर डॉट ट्रायंगल, ये कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं कि
अरेंज होते हैं कि ओनली दैट पर्टिकुलर कलर डॉट इज एक्टिवेटेड हुज कोरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बीम इज ड्रॉप एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन। कहने का मतलब यह है कि अगर ब्लू कलर का इलेक्ट्रॉन बीम केवल ब्लू कलर के डॉट कलर डॉट को ही एक्टिवेट कर पाएगा, इसी तरीके से जो ग्रीन कलर वाला कलर के लिए जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो केवल ग्रीन कलर के कलर डॉट को एक्टिवेट कर पाएगा और रेड कलर के लिए जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो केवल रेड कलर के कलर डॉट को ही एक्टिवेट कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मुझे ये करना हो कि मुझे सिर्फ रेड कलर का स्पॉट चाहिए तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ रेड कलर का जो रेड कलर के लिए जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो सिर्फ रेड कलर वाले कलर डॉट को एक्टिवेट करेगा, बाकी दोनों के दोनों वहां पे क्या होंगे, डिसेबल रहेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? आप इसी तरीके से अगर मुझे इनके कॉम्बिनेशन से कलर चाहिए, राइट, तो यानी कि इसमें जो कॉम्बिनेशन से कलर चाहिए तो हम क्या करेंगे कि इनके जो इलेक्ट्रॉन बीम की स्पीड है इनको हम वेरिएबल कर देंगे। तो विद द हेल्प ऑफ द वेरिएशन ऑफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम वी कैन प्रोड्यूस द मल्टीपल नंबर ऑफ कलर्स। वो जो कलर्स प्रोड्यूस होंगे वो कॉम्बिनेशन होंगे रेड ब्लू और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से, राइट, तो इनके कॉम्बिनेशन से आप मल्टीपल नंबर ऑफ कलर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये थी वर्किंग आपके शैडो मास मेथड की। अब मैं बात कर लेता हूं कि शैडो मास मेथड और बीम पेनिट्रेशन मेथड में बेसिकली डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस वाइज ये बात कर सकते हैं कि अगर मैं बीम पेनिट्रेशन मेथड की बात करूं तो बीम पेनिट्रेशन मेथड में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गन यूज होती है, लेकिन शैडो मास मेथड में हम तीन इलेक्ट्रॉन गन यूज करते हैं फॉर रेड ब्लू एंड ग्रीन कलर। अब इसमें शैडो मास यानी कि सीरीज ऑफ होल्स के साथ में शैडो मास यूज होता है, लेकिन बीम पेनिट्रेशन मेथड में शैडो मास का यूज नहीं होता है। इसमें अगर मैं बात करूं फॉस्फर कोटेड स्क्रीन को, तो यहां पर सिर्फ एक फॉस्फर कोटेड स्क्रीन यूज होती है, जबकि बीम पेनिट्रेशन मेथड में दो फॉस्फर कोटेड स्क्रीन यूज होती है, एक ग्रीन कलर के लिए कलर वाली और एक रेड कलर वाली यूज होती है, इनर एंड आउटर लेयर। यहां पर हर एक जो पिक्सल होता है वो थ्री कलर डॉट का कॉम्पोजिशन होता है, लेकिन बीम पेनिट्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ओके, दिस यानी कि शैडो मास मेथड इज यूज्ड इन रास्टर स्कैन डिस्प्ले सिस्टम, वेयर एज द बीम पेनिट्रेशन मेथड इज यूज्ड इन द रैंडम स्कैन डिस्प्ले सिस्टम। वी कैन प्रोड्यूस द ओनली फोर कलर्स इन बीम पेनिट्रेशन मेथड, बट वी कैन प्रोड्यूस मल्टीपल नंबर ऑफ कलर्स विद द हेल्प ऑफ शैडो मास मेथड। आई थिंक दीज थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। इफ एनी प्रॉब्लम यू फील एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। Okay, thank you.